तहरीक एतमाद कामयाब, इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कौमी असम्बली का इजलास सुबह 10:30 बजे तलब किया गया, जिसमें अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने तकारीर की। ताहम अदम एतमाद पर रात 11:30 बजे तक अदम एतमाद पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। सुबह 10 बजे से जारी इजलास में ड्रामाई मोड़ उस वक्त आया जब स्पीकर असद कैसर ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद 5वीं बार इजलास की मुख्तसर सदारत की और रात 11:30 बजे के करीब इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया। फिर उन्होंने अयाज़ सादिक से ऐवान की कार्रवाई जारी रखने की इस्तदा की। असद कैसर के इस्तीफे के बाद हुकूमती अरकान ने अमरीका और अपोजिशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और एहतजाजन ऐवान का बाइकाट करते हुए ऐवान से बाहर चले गए। बरतानवी नशियाती इदारे की खबर झूठ का पलंदा है। पाक फौज के शोबा तालुकात यामा ISPR ने जारी करदा बयान में कहा कि बरतानवी नशियाती इदारे BBC उर्दू की शाया होने वाली खबर सरासर बेबुनियाद और झूठ का पलंदा है। आम प्रोपोगंडा कहानी में कोई मोतबर मुस्तनद और मुतलका जरिया नहीं, ये बुनियादी सहाफती अखलाकियात की खिलाफ वर्जी है। शहबाज शरीफ ने कायदे ऐवान के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन की जानिब से इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी। असम्बली कवानीन के मुताबिक बरतरफ वज़ीर आज़म की जगह नए कायदे ऐवान का तकर्र फौरी तौर पर किया जाना ज़रूरी है। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर मुतहिदा अपोजिशन के कारकुनान का मुल्क भर में जश्न। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने पंजाब के दारुलहुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों में जश्न मनाया, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न मनाया। मुतहिदा अपोजिशन के कारकुनान बड़ी तादाद में असम्बली के बाहर भी पहुंचे, जहां उन्होंने ढोल की थाप पर रक्स किया और मिठाइयां तकसीम कीं।